वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स चित्रांश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बरसाना की राधा रानी का महल दिखाने वाला हूँ, वो भी कुछ फोटो और वीडियो के जरिए। कुछ वीडियो में मैं आपको होली खेलते भी नजर आने वाला हूँ। तो प्रेम से बोलिए, हो राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलो लेके चलते हैं आपको राधा रानी का महल। ये देखिए दोस्तों, यह सीढ़ी बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ से कम 250 मीटर की ऊँचाई पर है राधा रानी का महल। तो हम सीढ़ी से जाते जा रहे हैं, तो मैं आपको चलो अब ऊपर की ओर डायरेक्ट दिखाने वाला हूँ। तो चलो ऊपर की ओर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप यह नोट पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ बरसाना का कुछ दृश्य दिखाने वाला हूँ। जैसे कि यह देखिए बरसाना की गलियाँ, यहाँ आपको राधा रानी के महल के नीचे है। यहाँ से आप श्री कृष्ण के वस्त्र, बांसुरी वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं, मोरपंख। और यह देखिए राधा रानी महल का फ्रंट गेट है, जो कि सबसे स्टार्ट में यह गेट आपको मिलेगा। फिर इससे आप अंदर जाओगे तो आपको नया नज़ारा देखने को मिलेगा। और साथ ही मैं बता दूं, यह राजा वीर सिंह ने 1675 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और साथ ही यहाँ होली बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, जैसे कि लठमार होली के नाम से यह फेमस है। और बरसाना का प्राचीन नाम है विश भानुपुर करके नाम है। तो अगर आप नहीं जानते हो, यह जरूर याद रखिएगा। और यह 250 मीटर ऊंचाई में बना है। यह बाहर का नज़ारा है, देखिए बाहर से बाहर का नज़ारा कुछ अलग ही है। यहाँ होली जो कि टेसू प्लास के पेड़ को सुखाकर, फूल को सुखाकर गुलाल तैयार किया जाता है। और यहाँ गुलाल बहुत ही सस्ते होते हैं। और आप यहाँ किसी के साथ भी होली खेलोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी के साथ होली खेल सकते हैं। और यहाँ का दृश्य बहुत ही अलग है। और यहाँ मथुरा हो तो होली बहुत ही पहले से स्टार्ट प्रारंभ हो जाता है, जो कि आप डेली यहाँ होली खेलते हुए देखोगे। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो वो भी एक हफ्ता ज़रूर रुकिए, जिससे आप। और यहाँ ज़रूर दोस्तों, यहाँ का माखन बहुत ही फेमस है, माखन ज़रूर खाइएगा। Oh yeah, Lady, hey! Lady, 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 Lady,
किसी को इधर नहीं, किसी को।